वेलकम डियर चिल्ड्रेन टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। अधिकतर बच्चों की छोटी छोटी डाउट्स रहती हैं जिसके कारण वो एरर करते हैं। ये डाउट मेरे से भी एक स्टूडेंट ने पूछी और मुझे लगा कि ये डाउट मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ डू और डज विद योर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये इन्वर्टेड कॉमर्स जो लगे हुए हैं, इसका मतलब हम इन शब्दों की बात करते हैं। हम जिस भी शब्द को डिस्कस करें इंग्लिश में, जिस वर्ड को बारे में बात करें, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में दे दिया जाता है। तो डू और डज का जो प्रयोग है योर शब्द के साथ और कौन से वाक्यों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में। ये मैंने अपने हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्यों में योर शब्द के साथ डू या डज का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या आधार होता है, किन बातों का हमें ध्यान देना। बहुत पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो शब्द है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे है एन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य की ये पहचान है कि जो सहायक क्रिया है वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले आती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और सेंटेंसेस में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है वो वाक्य की शुरुआत में होता है, लेकिन कभी कभी वो वाक्यों के बीच में भी होता है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, क्या ये सेंटेंसेस के बारे में है? यदि इस वस्तु या इंसान या कोई जीव जंतु जिसका भी नाम वहाँ लिखा है और ऐसा प्रतीत होता है ये वाक्य उसके बारे में है, चाहे वो शुरू में हो या बीच में हो, तो हम ये मान लें कि वो सब्जेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक वाक्य है, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो। अब यहाँ पे क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करते हैं, तो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे वो यस नो टाइप बनाएंगे। यस नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनका उत्तर यस या नो में होता है। मान लीजिए ये वाक्य है यू स्पीक इंग्लिश, तो वो कहते हैं आप तो इंग्लिश बोलते हो। क्वेश्चन है व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स का क्या हाल है, क्या वो भी इंग्लिश बोलते हैं? इसका मतलब हम यहाँ पूछना चाहते हैं क्या आपके फ्रेंड्स इंग्लिश बोलते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि यस नो टाइप जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो जाहिर है कि ये जो क्वेश्चन है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे यहाँ पे, डू होंगे। डू और डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए अगला भी देखते हैं। व्हाट अबाउट योर ब्रदर, और आपके ब्रदर के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या वो भी अंग्रेज़ी बोलता है? तो ये दो सेंटेंसेस, दो क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं और इनके मदद से हमें यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, लेट अस सी। नाउ व्हाट अबाउट योर, दिस क्वेश्चन इज जस्ट सेम इन बोथ द क्वेश्चंस एंड हियर वी हैव फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे ब्रदर है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि सवाल तो इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो बहुवचन है, प्लूरल है, और यहाँ पे जो ब्रदर है वो सिंगुलर है। लेकिन ये पर्सन क्या है, आप लोगों ने पर्सन भी पढ़े थे, मेरे और तुम्हारे अलावा बाकी दुनिया में जो भी है वो क्या है, वो थर्ड पर्सन है। तो ये फ्रेंड्स भी थर्ड पर्सन, ना तो मैं हूँ ना तुम हो,
क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन इसका नंबर क्या है, प्लूरल, ये बहुवचन है, और यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर। तो देखें, हमने पढ़ा था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह भी सिंगुलर आता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वह भी प्लूरल आता है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब जो मूल रूप है वही आएगा, तो ये आएगा डू योर फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश, डू। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, और हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डू और डज है ये योर के हिसाब से आएंगे कि इसके हिसाब से आएंगे। तो आप लोग सब इस बात से क्लियर हो जाएं, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा क्या, तुम्हारे क्या, फ्रेंड्स। तो वो जो फ्रेंड्स हैं और ब्रदर हैं उनके नंबर को, उनके पर्सन को देखकर ही हम इस हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे, ना कि यू आर देख के। यू आर में भी अगर आप थोड़ा सा देखें, जाते जाते एक टिप है, यू मतलब तुम और यू आर मतलब तुम्हारा, कोई भी चीज़ जो तुम्हारी है तुम्हारा है। तो तुम्हारा क्या, जो वस्तु है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।